अस्सलाम वालेकुम। तीसरी मंजिल में एक बार फिर खुश आमदीद। आज पाकिस्तान ने अब दूसरा वर्ल्ड कप का मैच श्रीलंका के अगेंस्ट खेला और पाकिस्तान ने वन साइडेड मैच ही हरा दिया। जब बैटिंग की बारी थी श्रीलंका की तो लग रहा था कि पाकिस्तान ने बहुत बुरी बॉलिंग की है, लेकिन ऐसा नहीं था। फेसबुक के ऊपर तो लोग बहुत ही पागल हो गए थे कि पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत गंदा पिट रहे हैं और 150 प्लस बॉलिंग और जो है नंबर वन बॉलिंग का क्या हुआ। लेकिन भाई आपको ये भी समझना पड़ेगा कि इंडिया की पिचेस जो हैं वो फ्लैट हैं, उसके अलावा जो है वहाँ बाउंड्रीज भी बहुत छोटी हैं और पाकिस्तान ने इस रन चेस को बहुत ही आराम से पूरा कर लिया। ना सिर्फ रन को चेस किया बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया, क्योंकि आज तक वर्ल्ड कप के अंदर इतना बड़ा चेस किसी ने नहीं किया था और पाकिस्तान ने 345 रन बनाकर ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी बॉलिंग के बारे में कुछ कहोगे पहले? पाकिस्तानी बॉलिंग के आप श्रीलंकन बॉलिंग देख लें, उनको 416 रन पड़े, वो पिचेस ही ऐसी हैं। 428 रन साउथ अफ्रीका के, 428 रन पड़े और उसमें भी साउथ अफ्रीका ने जब बनाया उसके बाद श्रीलंका ने भी कोई बहुत बड़े मार्जिन से नहीं, उन्होंने भी 300 प्लस रन किए हैं। तो आप ये देखें वो पाकिस्तान को स्पिन ट्रैक के ऊपर खिला रहे हैं। आपको पहले भी बोला था ग्राउंड और पिचेस की हालत बहुत बुरी है वहां की, और उन्होंने पाकिस्तान को कोई फास्ट ट्रैक पे नहीं खेला, स्पिन ट्रैक्स पे खिला रहे हैं। उसके बाद भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, कोई ऐसा नहीं लगा बैटिंग के अंदर कि पाकिस्तान के हाथ से कहीं मैच जा रहा है। मुझे तो ओवरऑल नहीं लगा, अगर आप बता दें आपको कहीं लगा हो। मुझे तो ये लगा कि पाकिस्तान वन साइडेड ना सिर्फ मैच जीता बल्कि पाकिस्तान ने एशिया कप का अपना बहुत बड़ा बदला लिया है। हाँ। एशिया कप के अंदर जहां पाकिस्तान से गलतियां हुई थी वो श्रीलंका था, ये इंडिया था। पाकिस्तान तैयार होकर आया था और पाकिस्तान ने अपनी तैयारी बता दी, जितने रन बनाने बना लो हम बताते तुम्हें। ये तो मुझे लग रहा है सारी पुरानी राइवलरीज पूरी हो रही है, जैसे 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल था इंग्लैंड न्यूजीलैंड का, आप देखें वो भी मैच आज बदला पूरा हुआ वर्ल्ड कप के पहले मैच के अंदर। आज देखें पाकिस्तान ने एशिया कप का बदला ले लिया और ऐसी पाकिस्तान आगे जाके इंडिया से अपने मैच का बदला लेगा एशिया कप का, आप ये देख लीजिएगा ये होगा इंशाल्लाह। ना सिर्फ एशिया कप का बदला लेगा बल्कि इनके मौका का सारा जवाब मिलने वाला है इंडिया वालों भाई, क्योंकि पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया और पाकिस्तान ने जो चेंजेस की टीम के अंदर छोटी छोटी, उसकी वजह से भी टीम जो है वो काफी अच्छी हो गई है। जहां फखर जमान के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे थे, बाबर आजम का बहुत शुक्रिया भाई कि उन्होंने फखर जमान को बिठाया और अब्दुल्ला शफीक को बैटिंग दी। अब्दुल्ला शफीक ने वर्ल्ड कप में डेब्यू था समझे उसका, ओडीआई तो वो खेल चुके थे लेकिन पहला वर्ल्ड कप है। कैसा लगा उनका पहला मैच? उन्होंने प्रेशर को जैसे हैंडल करा, जैसे हमारी स्टार्ट में इमामुल हक की विकेट गिर गई, वो भी बैड लक हुआ और टॉप एज ओवर ना, इमाम अच्छे प्लेयर है लेकिन इमाम का एक मसला वो लग रहा है, पिछले मैच में भी सेम आउट हुए, इसमें भी मतलब थोड़ा सा आप जज तो करो बॉल किस तरफ खेलनी है क्या करना है। मतलब हिटिंग चाहिए आपको, बड़ा टारगेट मिल गया है, लेकिन थोड़ा सा जैसे उसके बाद अब्दुल्ला आए, रिजवान आए, शुरू में उन्होंने विकेट बचाई, थोड़ा सा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेट हुए, 50s कंप्लीट की, कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद मैच को कहां ले गए। तो शॉर्ट बॉल का मसला तो हमारा T20 वर्ल्ड कप से ही चला आ रहा है। इंडिया से हम जो मैच हारे थे उस सारी टोटल जितनी हमारी 10 की 10 विकेटें गिरी थी शॉर्ट बॉल के ऊपर ही गिरी थी। हाँ, ये तो खैर हमारा पुराना ही मसला है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हमें उनको बैक करना चाहिए। खैर आप दोबारा से पॉइंट के ऊपर आते हैं, अब्दुल्ला की बैटिंग के ऊपर आज बात करो भाई। बहुत आला बैटिंग की, जो रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप थी उसी से मैच का सारा मोमेंटम बना। तो आप ये देखें आगे जाके सऊद शकील ने भी अच्छे रन करे, लेकिन सऊद शकील की जो उन्होंने बॉल हुई है वो बाहर की बॉल थी, जो इनसाइड एज हुआ है उनका। लेकिन मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि आज हम इस वीडियो के ऊपर जो है, क्योंकि आज का क्रेडिट रिजवान और अब्दुल्ला शफीक की को ही जाता है, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा टाइम हम अब्दुल्ला शफीक और रिजवान को दें, आज इनकी बैटिंग के ऊपर थोड़ी तफसीलन बात करते हैं। अब्दुल्ला शफीक के जो शॉट्स जो जिस तरह 50 की तरफ गए फिर सेंचुरी की तरफ, अब्दुल्ला शफीक ने जितनी भी आप प्रॉपर बाउंड्रीज देखेंगे हमारी वो प्रॉपर शॉट थे। रिजवान कहीं ना कहीं लग रहा था कि स्ट्रगल कर रहे हैं स्टार्ट में भी, उसके बाद जब उनके पैर में क्रैम्प्स वगैरह आए उसके बाद वो लग रहा था कि उससे पहले भी लग रहा था वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि पैर की बॉल को आपने देखा था वो एक जगह बचे भी जो आगे कैच हो रहा था उनका कवर के ऊपर। लेकिन आपने उनको देखा होगा अब्दुल्ला शफीक ने कोई गलत शॉट नहीं खेला है, कोई गलत शॉट नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छे से एक चीज नजर आ रही थी जो एक बहुत क्लियर चीज नजर आई, वो ये थी कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो बैटिंग में शुरू से और आखिर तक कॉन्फिडेंस में नजर आया, लगता था कि उनके पास कंट्रोल है, वो बॉलर्स को अपना कंट्रोल नहीं दे रहे या गलती नहीं कर रहे कहीं पे। जितने भी उनकी बाउंड्रीज भी आई, सिंगल डबल लेके चले फिर 50 की तरफ गए, 50 के बाद जिस तरह उन्होंने हिटिंग शुरू की, उनके स्पिनर्स को जो उन्होंने बाउंड्रीज दिए, क्योंकि उनकी ताकत जो है वो तो उनकी स्पिनर्स हैं, जब उनको बाउंड्रीज मिली तो वो तो और वीक होते चले गए। लेकिन रिजवान दूसरी तरफ जो है शुरू से तकरीबन इंजरी तक काफी लगा कि स्ट्रगल में थे, 50 के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया था, फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह भाई रिजवान बहुत अच्छी बैटिंग की,
रिजवान की एक स्पिरिट है यार, मतलब लोग कहते हैं कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ये वो, लेकिन आप ये देख लो कि जब वो उन्होंने एक गलती कर दी थी, वो ऊपर जाके जो शॉट खेला जिसकी वजह से कमर में और पैर में उनके तकलीफ हुई और इंजरी आ गई थोड़ी सी और फिर बॉल भी लग गई, तो काफी जो है ना उनमें हिम्मत नहीं हो रही थी खेलने की और बहुत ज्यादा तकलीफ में थे वो, लेकिन वो टीम के लिए खेलते गए और मुझे नहीं लगता था, शायद मुझे लगता था इंजर्ड होगा, अब तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, रन आउट हो जाएंगे या कोई गलत शॉट एज वेज, लेकिन उस टाइम के बाद तो ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि श्रीलंका वाले तो समझ ही नहीं पा रहे करें क्या, बॉल स्पिनर या फास्ट पेसर। श्रीलंका का प्लान था कि उन्होंने पावर प्ले के अंदर ही अपने स्पिनर लगा दिए थे, उनको पता था स्पिन ट्रैक है, पाकिस्तान स्पिन के आगे बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगा, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने उन्हीं को पहले मोमेंटम बनाया, सिंगल डबल करके प्रेशर करा, जब उन्होंने बाहर बॉलें करना शुरू करी तो उन्होंने उन्हीं के ऊपर जाके अटैक करा, उनके मेन स्पिनर्स के ऊपर, क्योंकि श्रीलंका वाले तो लगा दिए थे पावर प्ले तक, अपनी तैयारी से आए थे, उन्होंने पाकिस्तान को रीड किया होगा, उन्हें लगा कि भाई हम स्पिन बॉलिंग करेंगे और पाकिस्तान तो यहाँ ढेर हो जाएगी, जो कि उनका एक अच्छा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाबर आजम ने आज एक सरप्राइज उनके लिए रखा है और अब्दुल्ला शफीक जो उनके किताबी प्लेयर है उनको भेजा है। भाई अब्दुल्ला शफीक की तो नो डाउट क्लास ही अलग थी, लेकिन हम यहाँ बॉलर्स की भी बात करेंगे तो आज हसन अली ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, ये नहीं देखिए हर बॉलर को रन पड़ रहे हैं, वो पिच ही ऐसी, लेकिन शुरू में हाँ ये था एक बड़ा मसला लग रहा था क्योंकि आप अब थोड़ी सी बात अगर श्रीलंका की बैटिंग की तरफ करें, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे और हम लोग जब मैच देख रहे थे तो हम लोग काफी कॉन्फिडेंट थे कि पाकिस्तान ने ही मैच को जीतना है, क्योंकि हमें नजर मतलब लोग ये नहीं समझ रहे कि यार बाउंड्री साइज, बाबर आजम ने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ये बात बोली है कि बाउंड्रीज यहाँ की बहुत छोटी है, पिचेस फ्लैट है, तो यार बॉलर्स को तो नुकसान होगा, ये तो बात आप लिख लो चाहे कोई भी बॉलर खड़ा कर दो, हमारे फैन तो ये चाह रहे हैं ना कि हम दूसरी टीम को ऑल आउट 260-250 पे कर दें और हम 400 रन बना के जीत दें, ये तो नहीं हो सकता। अभी आप देखो 350 के आसपास टारगेट था, 344 345 का, तो भी हमने वन साइडेड ही जीता, ये कोई ऐसा नहीं था कि मैच फंस रहा है, शुरू में 2 विकेट गई, प्रेशर आया, लेकिन उसके बाद आप देख लो रिजवान भी नॉट आउट गया, आप ये देखें ना हम लोग जो मतलब हम जिसके खिलाफ फंस रहे थे स्पिनर्स के खिलाफ, हमने उनको विकेट नहीं दिए, आज भी आप देख लें उनके हमने मेन बॉलर्स को ही अटैक करा, लेकिन थोड़ी सी गलतियां जो हमारी नजर आई वो हमारी थी श्रीलंका की बैटिंग के टाइम पे, बॉलर्स को यार सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं इतनी बाउंड्रीज पड़ी ये पड़ा, ठीक है उनकी भी एक हद तक बात, लेकिन यार वो कितना कंट्रोल करेंगे, आप देखें कुशाल मेंडिस जो है उनके श्रीलंका के 122 रन बनाए, लेकिन वो बना ही नहीं सकते थे 18 रन पे, वो तो पवेलियन चले जाते, इमामुल हक के हाथ से एक इजी कैच ड्रॉप हुआ, तो बॉलर्स अब कितना क्या मतलब बॉल करा के भाग के, उन्होंने ही करा इमामुल हक वो तो फील्ड के ऊपर इतना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, देखें ओवरऑल फील्डिंग के ऊपर बात कर रहा हूं कि मतलब वो इस तरह के कैचेस जो है शादाब के बाद पाकिस्तानी टीम के बेस्ट फील्डर हैं, और टेस्ट मैच में टेस्ट मैच में तो देखो पिछले कैसे कितने खतरनाक कैचेस, कितने अच्छे कैचेस लिए उसने, अब्दुल्ला शफीक ने भी इतने अच्छे कैचेस लिए थे, सबने ही बहुत ओवरऑल अच्छी फील्डिंग की थी, होता है कैच छूट जाते हैं कभी कभी आप वहाँ की, लेकिन ऐसे कैच छूट जाते हैं समझ आते हैं, लेकिन कितना बड़ा नुकसान तो दे दिया ना, रोल कितना गंदा कर रहे हैं, वही वो घूम फिर के वही बात है भाई इमाम के ऊपर के वो अब कुछ मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाए, कैच छूट गया तो आप उनको ट्रोल कर रहे हो, मैंने ये देखा है कि जब वो परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो उनको उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिलती जितनी और प्लेयर्स को मिलती है, जैसे आप सरफराज अहमद अगर कोई 200 रन उन्होंने मार दिए तो उनको आप देखें कैसी अप्रिसिएशन मिली, लेकिन इमामुल हक को वो, सब लोगों को वो नहीं मिलती, वो लोग कौन होते हैं वो आप देखो ना सोशल मीडिया के ऊपर पिछले गेस्ट वो हमारे जो है ना वो लोग होते हैं जो कि सिर्फ फेसबुक के ऊपर उन्होंने मैच देख लिया या थोड़ी सी अपडेट देख ली और देख लिया, भाई आप देखो तो मैच के अंदर किसकी क्या टेक्निक है, क्या है, क्या मीम देख रहा था बना हुआ था उसमें लिखा हुआ है कि जिम्बाब्वे और नेदरलैंड से टेस्ट सीरीज कर दो वहाँ ये 100 मार देगा, तो आप ये देखें अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ वार्म अप मैच में 80 और 90 रन किसने मारे, बाबर ने मारे, और सिर्फ यार आप क्या आपको क्या लगता है पूरे साल जिम्बाब्वे और नेदरलैंड के खिलाफ बाबर खेल रहा होता है, हर टीम के साथ आपकी कहीं ना कहीं सीरीज इमाम के 3000 रन पूरे हो गए और 3000 रन पूरे हुए 67 इनिंग्स में, बाबर को हम किंग बाबर मानते हैं और बाबर की 68 इनिंग्स में 3000 मुकम्मल हुए थे जबकि जो इमाम है उसने 67 इनिंग्स में किया, इसी तरह फखर के भी जो है 67 इनिंग्स में ही 3000 रन कंप्लीट हुए थे और इमाम के लिए एक अच्छी जो है वो है कंट्रीब्यूशन है उनकी अपनी करियर के अंदर, और अभी आप तुम देख लेना ये जो अभी इंडिया का मैच आ रहा है मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच है बाबर का,
हो सकता है कि, और जरूरी नहीं है यार परफॉर्मेंस दे नहीं दे, 11 बंदे क्यों खेल रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम का टीम में मौजूद होना ही हमारे लिए एक नेमत है। आप वो देखें वो टीम को कहां से कहां लेके आए, वरना हमारी आप बैटिंग उठा के देख लो, अहमद शहजाद, उमर अकमल जो दौर में थे, क्या बैटिंग थी हमारी, कुछ भी कर लेते थे, बॉलिंग अच्छी आ जाती थी, बैटिंग अच्छी आ जाती थी, नॉकआउट से हम आगे कितना, सेमीफाइनल फाइनल तक कितने गए। अब की मैं बता रहा हूँ कि फील्डिंग हमारे पास कितनी अच्छी है, आप ये देखें बॉलिंग भी हमारे पास कितनी अच्छी है। नसीम शाह एक इंजर्ड हुए हैं, वो भी एक आप, हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी कि वो किस वजह से हुए हैं, वो बीसीसीआई और जय शाह वाली वीडियो के अंदर जो हमने बात की है। खैर हसन अली को रिप्लेस करके आए तो अपनी जगह निकाल लें, विकेट निकाल लें, और बॉलर का क्या, जय शाह को याद दिलाया तो भाई मुझे जय शाह से याद आ गया भाई, आज ग्राउंड की हालत देखी क्या थी, आज लग ही नहीं रहा था कि वो कोई इंटरनेशनल, मुझे तो ऐसा लग रहा है ग्राउंड ही कोई, मुझे तो मुझे वही वाली बात लगी जो मैंने पहले भी लिखी थी, चावल के खेत में खेती बाड़ी होने के बाद जो है वो बोल दिया किसानों से बाहर चले जाओ, 2-3 हज़ार रुपए लो और हमें रेंट पे ग्राउंड दे दो। पिचेस की हालत देख लो, पाकिस्तान की पिचेस को हम क्रिटिसाइज कर रहे होते थे, आईसीसी हमें बोल रहा होता। आपको याद है जो पिछली सीरीज मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई थी पाकिस्तान की, जिसमें 600-600 रन बन रहे थे, तो इंडिया वाले कितने ट्रोल कर रहे थे, भाई जाओ ना कुछ तो करो, ग्राउंड तो बनाओ। शायद हमारी पिछली वीडियो का फायदा हुआ, आज आवाम बहुत ज्यादा थी, पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे, पाकिस्तान क्राउड आया, इंडिया के फैंस, इंडिया की जो आवाम है उसके लिए तो हम बहुत शुक्रगुजार है, थैंक यू सो मच कि उन्होंने आकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया श्रीलंका के मैच में। तो भाई खैर अगला मैच अब इंडिया के साथ है, और इंडिया का जो सेकंड मैच है कल अफगानिस्तान के साथ है, मुझे तो अच्छा लगेगा कि अफगानिस्तान इंडिया को हराए, लेकिन आपको भी पता है अफगानिस्तान तो इंडिया से चाहे जितने भी रन हो जो भी मैच हो, जैसे अफगानिस्तान खुद ही नहीं जीतना चाहता इंडिया से, अफगानिस्तान सबको टफ टाइम देता है, अफगानिस्तान एक बहुत अच्छी टीम है, लेकिन अफगानिस्तान इंडिया से खुद नहीं जीतना चाहता, ये दिखता है, ये कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं है, मैं करता नहीं हूं। अब कंट्रोवर्शियल बात आप करीब ले आए हो, अब आप बता दो क्या इंडियन स्पॉन्सर है अफगानिस्तान का पीछे से? आप देखें जितने स्पॉन्सर है, इंडियन स्पॉन्सर है, अफगानिस्तानी टीम बैठ के प्रैक्टिस क्या कर रही है, उनके पास तो एक कोई ग्रास ग्राउंड नहीं है, कोई प्रॉपर ग्राउंड ही नहीं है अफगानिस्तान में, इंडिया में बैठ के तो प्रैक्टिस कर रही है, उन्होंने पूरी आईपीएल में नहीं, वो वैसे भी वही रहते हैं ज्यादातर। अच्छा। उन्होंने प्रॉपर अपने डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ से शुरू करी, मोहम्मद नबी आरबीएस खेलते थे यहाँ पे पाकिस्तान में, वो जाके अब देखें इंडिया में बैठे हुए, जब उनसे सीरीज का बोला तो वो पाकिस्तान नहीं आ रही है, अफगानिस्तान के तो लव नहीं हो सकते ऐसे कमाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, तो मतलब वो मैच खेलने के लिए आ रही है, तो पीछे इंडिया की लव्स है, क्योंकि इंडिया ही ऐसी हरकतें करता है। चलें भाई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, अगला मैच पाकिस्तान का इंडिया के साथ है, और इंडिया वालों को ये खुला थ्रेट है के दिखा दो अपना भरम, और एशिया कप का हम लेंगे बदला आपसे, और देखा जाएगा सैटरडे वाले दिन, और फिर हम तब भी बैठेंगे और इसी कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, और फिर बताएंगे कि हमारे खिलाड़ियों ने आपके खिलाड़ियों के साथ क्या किया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।